फनी चीजें दिखाता हूँ जो सुबह सबसे पहले आते हैं हमारे। और ये मेरा लेक्चर है आज का, जिसको मैंने मिस कर दिया क्योंकि मैं आया। स्पेशली मेरे शूज आने चाहिए क्योंकि मैंने लंडे से जो है ना वो 200 के लिए सुनते हैं हमारी क्लास की रौनक के लगाते हैं। लगा गले जुदा किया, बता दे कैसी है तेरी दीवानगी ओ बेवफा। हमारे जूनियर जो है उसका आपको सॉन्ग सुनाता हूँ। जूनियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तेरी बारिश भिगाए मुझे, तेरी हवाएं बहाए मुझे। अब मैं आपको मिलवाता हूँ जी हाँ जीसी के एक हार स्टूडेंट से। ये है शाह जो है ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो मेरी तरह 12:30 बजे आते हैं, और ये शान अली जैसे होनहार स्टूडेंट है जो 8:30 बजे आ जाते हैं। 12:30 नहीं 1:30 बजे दरमियाना रास्ता निकालते हैं, 1 बजे जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया है, ये हमारा जो है टीचर्स का जो है वो स्टाफ रूम है, और रूम है यहाँ पे हम जा नहीं सकते, आप देख सकते हैं। और ये जो है कोऑर्डिनेटर रूम है, और ये जो है एडमिन ऑफिस और एडमिन ब्लॉक जिसको पा जा सकता है। ये बेंच लगा हुआ है हमारा, और ये पीछे जो है वो आप देख सकते हैं। और आपको एक और जो मैं अहम चीज़ है वो दिखाता हूँ, ये जो है हमारे स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे रूम्स का विजिट करवाता हूँ, और ये है एक क्लास। जी हाँ क्लास, क्योंकि इस टाइम अभी लाइट्स ऑफ है, ऐसे ही देख लें। अब आपको मैं नेक्स्ट क्लास भी विदाउट मास्क, सो मैंने मास्क अभी नहीं पहना। और वैसे यहाँ पे देखें मेरा चार्ट बने हुए हैं, कितने खूबसूरत चार्ट बने हुए हैं। और इस साइड के ऊपर भी जो है थर्ड क्लास, यानी कि पहले हमारी ये क्लास हुआ करती थी। हमारी क्लास का ये हाल है कि हमने यहाँ पे कोई चार्ट नहीं लगाया। आई थिंक सो बंद होगा, नहीं नहीं खुला हुआ है कंप्यूटर लैब हमारा। और ये कंप्यूटर लैब है, आपको मैं लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ। ये हमारा कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है हमारी, ये हमारा चोर दरवाजा है लाइब्रेरी का, और यहाँ से हम लाइब्रेरी में एंटर होते हैं। ये इलीगल है लेकिन हम एंटर हो जाते हैं। और ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे बुक्स हैं लेकिन हमने कभी बुक्स रीड की नहीं है। तो खैर पढ़ाकू स्टूडेंट्स के जोड़े लाइब्रेरी में बनते हैं, और निकम्मे स्टूडेंट्स के छतों पे, और थर्ड कैटेगरी भी आती है। ये वो पार्क है जहाँ पे जो है वो बैक बेंचर्स के जोड़े बनते हैं, भी हम यूज करते हैं एज अ रिफ्लेक्शन मिरर। मुझे प्यार हुआ था, ये वो पार्क। क्या क्या हुआ था यहाँ पे? ये वो पार्क है जिसमें मुझे प्यार हुआ था। अच्छा, आपका प्यार जो है वो आपको मंजिल मंसूर तक। आई होप सो। अब यार लाग स्टूडेंट हमेशा सिंगर रहते हैं, जीसी के बच्चों को छोड़कर इसने यहाँ के स्टूडेंट पे इसका दिल आया है, तो पता नहीं दिल आया गुर्दा आया है, लेकिन दिल का कहीं भी आ सकता है। एंड पे जो है ना इसके ये होना है, चल मेरा पुत्र तू छुट्टी का है। आपको वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अक्षय कुमार का छोटा बेटा से पते की बात बताऊँ आप लोगों को, कि जब भी जो है ना मैं अपने घर में मेरी मामा मुझे खाना नहीं देती, तो मैं उनको ये कहते ना थ्रेट करने की कोशिश करता हूँ कि मुझे रोटी चाहिए वरना मुझे वोटी चाहिए, मुझे वोटी चाहिए। ये सिर्फ सेट की हद तक है, घर वालों के सामने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना, क्योंकि आपको डंडे और सोटे भी पड़ सकते हैं। ये जो है ना तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? देखा, और मैं अपने क्लाइंट को इंसाफ दिला
आपके चाहे या ना चाहे कुछ नहीं था, अदालत को लेकिन मेरे यहाँ का एविडेंस ना था। मैंने उसका मर्डर किया था। तो ये विक्टिम है, इनसे जो है पूछते हैं कि आपको अपना अपने कन्फेशन जो है, इसने कन्फेशन कर चुका है, ये बंदा कर चुका है, जुडिशरी नहीं मानती। और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने मर्डर आखिर किया क्यों। वो बार बार मुझे कह रहा था तुम टिकटॉक करो, तुम टिकटॉक करो, मैनू एक भी लाइक नहीं आंदा टिकटॉक पे। तो के ऊपर जो है वो थर्ड क्लास कैटेगरी के लोग हैं। हेलो, ये टिकटॉकर है तो इनके मैं रोस्ट कर रहा हूँ। मैं टिकटॉक के खिलाफ हूँ क्योंकि वहाँ पर वैरायटी बहुत ज्यादा। बाबा जी जो सियालकोट लड़की है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, उसे इधर लेकर आए। मैं पूछना चाहूंगा बाबा जी, पीस पर Who comes to equity must come with clean है। इसका मतलब ये है कि आप अपने हाथ को सैनिटाइज करने आए। वकील की कार है। हमारे कोर्ट सिस्टम का ये हाल है कि हमारे वकील ने इनको जो है पर्ची दी है और जज साहब ने इनके हक में फैसला कर दिया है। मुजरिम को बाइज्जत बरी क्या बात है, धरना होगा धरना। यार देखो, सारा साल डाइटिंग करता रहा ये, जब इसको फ्री का मिलने ना तो इसने डाइटिंग वैसे ही छोड़ देनी है। ये पर्सन जो है ये तो वहाँ पे जरूर मिलेगा जहाँ पे मुफ्त होगा। और मेरे आईफोन एक्स मैक्स की बैटरी लो गई, अब मैं घर जा रहा हूँ। गुर्दा पेश के लिए है कि कुछ और कोई काम किया है? यार नहीं, हर कोई ऐसे नहीं लेता। तुम मुझे लगता अच्छा है, कैसे तुम लेता है? तुम मुझे लगता है नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ ये टीटो पार्टी करके जो है ना इसने मुझे लगता है लिया है आईफोन। क्या मतलब, शर्म नहीं आती तुझे? नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ना, गली में अक्सर लोग आते हैं गरम आंडे इस जैसे लोग होते हैं। सिर्फ इसके हाथ में कूलर की कमी है, ये इसने वैसे ही पहना हुआ है। तुझे गरम अंडा चाहिए बता दे। यार 22 करोड़ आवाम में किसी एक आधे के ऐसे बाल होते हैं। और थल्ले करना जरा सारे बाल, पिछले व्लॉग में तुम कटिंग करवा रहे थे, की हाल हो यहां पे बालों का। तुम्हें पता है जब गर्मी आती है ना, हजारों चिड़िया और हजारों कौवे आ गई यहाँ पे। हाय हाय, क्या और कौन मर गया ताडा? लग रहा है कि इसको ज्यादा दुख लगा हुआ है। मुझे दुख तो है क्योंकि स्टडी का लॉस हो रहा है। वाह, स्टडी का लॉस हो रहा है, वाह क्या बात है। ऐसा होना चाहिए, अगर अगर आप अभी भी खुश हैं कि इदारे बंद हो, मैं तो इसके आदमी को इसके फेस एक्सप्रेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या रीजन है। रीजन सबसे पहला हमारी जो प्रायोरिटीज है ना वो स्टडी है, तो उसको तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एप्पल नजर आना चाहिए। ये देखो जरा, ये आईफोन यूजर का आपको पता ही है, जब तक ये एप्पल दिखाए ना इनको जो है वैसे नींद ही नहीं आती। और दूसरी रीजन यही है, सर मेरी बात तो सुने, सर मेरी बात तो सुने, ये देखें सर क्या पता है आपको इसने किस तरह लिया है। इसके लिए आपको नदीम नानी वाला वो उसने बता दिया। अब भाई नहीं, ये मैंने अब इसने कौन सा चैलेंज पूरा किया है? नहीं मैंने कोई चैलेंज नहीं पूरा किया सर, खून पसीने की कमाई से लिया। खून पसीना यार, ये वाला जो है ना मैं कट कर दूंगा। आप पता नहीं पैसे कमा के लिया, मैंने जॉब की थी। कौन सी जॉब की है? जॉब मैं यार ये पता नहीं कौन कौन सी जॉब करता है, तू पार्ट टाइम जॉब करता है या कौन सी जॉब करता है, इसका आइडिया नहीं है यार मुझे। ये जो समुंदर से पानी बाहर आता है ना, मैं वाइपर के साथ अंदर करता है कि हमारे अच्छी अच्छी तस्वीरें आती है ना, उसका क्रेडिट सैयद रिजवी को जाता है, क्योंकि इसके पास अगर मोबाइल ना होता आईफोन तो हमारी तस्वीरें अच्छी ना आती। सो ये हमारी ग्रुप फोटो चेक करो। सो यहाँ पे अपने व्लॉग को एंड करते हैं, आप सबके साथ जो है नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।